सभी सुंदर साथ को कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 23 की 17 तक की चौपाई का पाठ किया, आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दिल मुर्दा मजाजी जुलमत से पैदा कुन कहते कुफरान, क्यों होए सरभर मोमिनो जो दिल मोमिन अरस सुभान। परमात्मा के द्वारा हो जा कहने से मात्र से शून्य निराकार से पैदा हुए विकारी दिल वाले स्वप्नवत तुच्छ जीव ब्रह्मात्माओं के समान कैसे हो सकते हैं, जिन ब्रह्मात्माओं के हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान है। ए जो कही गिरो मलकूती पैदा जुलमत से दूनी फान, रूहे फरिश्ते उतरे अरस से ए दिल मोमिन अरस सुभान। इस प्रकार शून्य निराकार से पैदा हुई झूठी दुनिया के लोगों को मलकुती गिरोह अर्थात वैकुंठ के अधिकारी कहा गया है। ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वरी सृष्टि अपने अपने धाम से उतरी हैं, किंतु ब्रह्मात्माओं के हृदय में ही परमात्मा विराजमान है। दिल मजाजी गोस्त टुकड़ा किया रसुल्ले मुख बयान, सो क्यों उलंघे जुलमत को बिना दिल मोमिन रस सुभान। सांसारिक चित्तवृत्ति वाले नश्वर जीवों के हृदय को कुरान में रसूल मोहम्मद ने मांस पिंड कहा है, वे शून्य निराकार को लांघकर पार नहीं जा सकते। केवल वे ही आत्माएं पार जा सकती है जिनके हृदय को परमात्मा ने अपना धाम बनाया है। जो उतरे होवे अरस से रूहे तोहिद के दरमियान, सो लेसी अरस अजीम को जो दिल मोमिन अरस सुभान। जो आत्माएं अद्वैत परमधाम से अवतरित हुई हैं वे ही परमधाम का सुख प्राप्त कर सकती है, उनके ही हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो मुर्दार करी दूनी मोमिनो सो दिल मजाजी खान पान, नूर बिलंद पहुँचे पाक होए के ए दिल मोमिन अरस सुभान। ब्रह्म आत्माओं ने जिस दुनिया को झूठी समझकर तुच्छ माना है उसी दुनिया को सांसारिक चतुर्वृत्ति वालों ने आहार की भांति अपनाया है। ब्रह्मात्माएं पवित्र रहकर अपनी सुरता से परमधाम में विचरण करती है, ऐसी आत्माओं के हृदय में ही परमात्मा विराजमान है। कहया पर जले जबराइल चढ़ सकिया न चौथे आसमान, रूहे बसे तिन लाहुत में जो दिल मोमिन अरस सुभान। रसूल मोहम्मद ने बताया कि परमधाम जाते हुए जबरील फिरस्ता के पंख जलने लगे और वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, जबकि ब्रह्मात्माएं उस परमधाम में सर्वदा रहती है। उन्हीं ब्रह्मात्माओं के हृदय में परमात्मा विराजमान है। मुरग अंदर बैठा खाकले चोच में ना जबराइल तीन समान, ए मायने म्यारा जरूहे जान ही जो दिल मोमिन अरस सुभान। कुरान में कहा है परमात्मा के दर्शन के लिए जाते हुए मोहम्मद साहेब ने परमधाम में देखा कि अपनी चोंच में खाक लेकर एक मुर्गा बैठा हुआ है
और यह भी कहा है कि जबरिल फिरिश्ता उस मुर्गे के समान भी नहीं है। इस रहस्य को भी परमधाम की आत्माएं ही जान सकती है जिनके हृदय में परमात्मा विराजमान है। पहुँचे महमद म्याराज में दो गो से फर्क कमान, इत रूहे रहे दरगाह मिने जो दिल मोमिन अरस सुभान। जब मोहम्मद साहेब दर्शन के लिए आगे बढ़े तो उस समय उनके और परमात्मा के बीच दो कमान की दूरी थी। इधर ब्रह्मात्माएं तो सर्वदा उसी परमधाम के अंदर रहने वाली है और इनके हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान है। 90,000 हरफ कहे नबी को तामे कछु बुझ रखाए रहमान, सो मायने जाहिर किए जो दिल मोमिन अरस सुभान। दर्शन के समय परमात्मा ने रसूल पैगंबर को 90,000 शब्दों में उपदेश दिया और कहा कि उनमें से कुछ गुह्य रखना। उन गुह्य रहस्य को वही आत्मा प्रकट करती है जिनके हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान है। किए आपस में रूहे गवाही हक्के अपनी जुबान, या को जाने दिल हक की जो दिल मोमिन अरस सुभान। परमधाम में प्रेम संवाद के समय श्री राज जी ने अपनी जिह्वा से ब्रह्मात्मा को कहा था कि हे ब्रह्मात्माओं, खेल में जाने के बाद तुम एक दूसरे की साक्षी बनना। इस रहस्य को सच्चे हृदय वाली ब्रह्मात्माएं ही जान सकती है जिनके हृदय में परब्रह्म परमात्मा का धाम है। दिया जवाब रूहो हक को ए सुकन दिल बीच आन, ए रूहे रहे हक हजूर जो दिल मोमिन अरस सुभान। श्री राज जी के इन वचनों को हृदय में ग्रहण करते हुए ब्रह्म आत्माओं ने उनको अपना स्वीकारात्मक उत्तर दिया था। ये भी ब्रह्मात्माएं सदैव धामधनी के शरण में रहती है क्योंकि उनका हृदय ही श्री राज्य का धाम बना हुआ है। कहया मोतिन के मुह कुलफ ए मायने तोड़त पढ़ो गुमान, ए अरसतन रूहे जान ही जो दिल मोमिन अरस सुभान। कुरान में ऐसा कहा है कि हजरत मोहम्मद साहेब ने दर्शन के समय परमधाम में देखा कि ब्रह्मात्माओं के मुख पर ताला पड़ा है। तो कुरान के इस वाक्य का अर्थ स्वयं को विद्वान कहलाने वाले लोगों का गर्व भी तोड़ देता है, अर्थात वे इसे स्पष्ट नहीं कर सकते। इस रहस्य को परमधाम की आत्माएं ही जान सकती है जिनके हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान है। पहुँचिया म्याराज में गुनाह मोमिनो ए सुन उर्झे मुसलमान, ठोर गुन्हे ना पहुँचिया जबराइल ए जाने दिल मोमिन अरस सुभान। म्याराज के प्रसंग में रसूल ने कहा कि ब्रह्मात्माओं तक गुनाह पहुंच गया है। ये वचन सुनकर मुसलमान उलझ रहे हैं। जिस स्थान पर स्वयं जबरिल फरिश्ता भी नहीं पहुंचा, ऐसे स्थान पर गुनाह कैसे पहुंच सकता है। इस रहस्य को वही आत्माएं जान सकती हैं जिनके हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान है। के हाथ हिसाब लिया मोमिनो, तोड़िया गुमान दे नुकसान, तीत बैठे अपना अरस कर ए दिल मोमिन अरस सुभान। परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं का न्याय अपने हाथ में लिया
एवं उनको प्रेम की परीक्षा में असफल दिखाकर उन्हें उनके अहंकार को भी तोड़ दिया। फिर भी उनके हृदय में वे स्वयं अपना आसन बनाकर बैठ गए। ऐसी ब्रह्मात्माओं के हृदय को ही परमधाम कहा है। पहुंची तकसीर रूहे अरस में, हक्के फुरमाया फुरमान, तीत दूजा कोई न पहुंचिया, बिना दिल मोमिन रस सुभान। कुरान में परमात्मा की ओर से ऐसा कहलाया है कि परम धाम में आत्माओं के मध्य तकसीर पहुंची है। वस्तुतः वहां पर उन ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं पहुंच सकता। इस रहस्य को केवल वे ब्रह्मात्माएं जान सकती हैं जिनके हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान हैं। आसिक नाचे अरस अजीम में, दूजा नाच न सके इन तान, और राहे में जले आवते, बिना दिल मोमिन अरस सुभान। ऐसा भी कहा गया है कि परम धाम में आसिक ब्रह्मात्माएं सर्वदा प्रेम आनंद में मस्त होकर नाचती झूमती रहती है। अन्य कोई भी इस मस्ती में नहीं आ सकता। जिन आत्माओं के हृदय को परमात्मा ने परम धाम बनाया है, उनके अतिरिक्त कोई भी जीव इस ओर जाने लगे तो वह मार्ग में ही जल जाता है। जो गिरो भाई कहे महमद को, ताको इसके में गुजरान, वाको एही फैल एही बंदगी, जो दिल मोमिन अरस सुभान। जिस समुदाय को रसूल मोहम्मद साहेब ने अपना भाई कहा है, वे ब्रह्मात्माएं सर्वदा प्रेममय वातावरण में रहती हैं। उनकी दिनचर्या एवं उनकी पूजा भी प्रेम ही है, इसीलिए उनका हृदय ही परमात्मा के लिए परम धाम बन जाता है। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 23 की 34 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।